कुमार उन्होंने कोई विशेष दिए या नहीं दिए वो शाम को पिक्चर देखने आ रहे जी थैंक यू अच्छी सब आ रहे हैं डायरेक्टर गट्टू भी आ रहा है पिक्चर देखने कम है बच जाते ज्यादा है हम हम दोनों गाते हैं ये बजाती है फिल्म में भी ऐसे ही है आ, ये यार बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बट ये अक्सर होता है एंड ये एक काफ़ी लोग हैं काफ़ी एक फजूल का क्या कहते हैं एक माइलेज के लिए करते हैं ज़्यादातर ये पॉलिटिकल है आ, ना हो तो अच्छा है और अक्सर ये उस टाइम पे टारगेट करते हैं फिल्म को जब वो रिलीज पे होती है कि वहाँ पे उसकी प्रिंट्स जा चुकी होती है एक प्रोड्यूसर बेचारा एक कॉनर में आ जाता है मजबूर होके उसको सेटलमेंट करना पड़ता है तो ये उसी वक्त अक्सर टारगेट करते हैं मेरे ख्याल से हमारे आई थिंक लॉ शुड बी मो स्ट्रांगर एंड नॉट एनकरेज दीज काइंड ऑफ पीपल है वॉट यू नेम यर सिद्धार्थ पहली चीज़ तो बिफोर बिकमिंग एन एक्टर एंड बिफोर कमिंग एंड वॉच मेकिंग फिल्म एज एन एक्टर आई एम अ बिग फैन ऑफ अर्शद भाई यू नो एंड आई थिंक इससे बड़ा आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि अपने स्टार्टिंग में अपने करियर में आई गेट टू डू अ फिल्म शेयर स्क्रीन विद अर्शद भाई सो so, इस तरह के सवाल आते ही नहीं है दिमाग में आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटफुलनेस हीज़ बीन वेरी काइंड टू मो मे ऑफ स्क्रीन पे भी लव मी लाइक ब्रदर एंड सो इट्स विन विन सिचुएशन है यार हम मुझे फिर रात तक बैठना पड़ेगा आपा मुझे आई थिंक एज एन एक्टर तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इन्होंने एक आई मीन हीज जस्ट बीन गिविंग फिल्म आफ्टर फिल्म प्लेट समीज अमेजिंग कैरेक्टर्स फ्राम बब्बन नाउ यू विल वॉच हिम खिल इन बर्न द स्क्रीन एज रंगीला एज एन एक्टर तो मैंने बहुत कुछ सीखा है बट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अर्षा भाई से सीखी है जो जिस सरलता से ये जीते है, you know? and हैं यू नो एंड मैं आई थिंक खुशनसीब हूँ हूँ कि अपने नए स्टार्टिंग में अपने करियर में एक किस तरह बिहेव करना चाहिए एक्टर को नॉर्मल रहना चाहिए और जितने ईज और मोहब्बत के साथ ही रहते हैं तो वो बहुत सीखा मैंने इनसे